ब्रॉड एंड नैरो एंड, रियलिटी में कोई सूचर का ब्रॉड एंड और नैरो एंड नहीं होता। दिस इज जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड राइट। अभी देखो ये ब्रॉड एंड है, ये नैरो एंड है। मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बार क्रॉस कर दिया। मींस पहले मेरा ब्रॉड एंड इधर था, दिस वॉज द ब्रॉड एंड, इट वॉज अवे फ्रॉम मी, नैरो एंड वॉज टुवर्ड्स मी। मैंने इसको क्रॉस किया, मतलब ब्रॉड एंड मेरे पास आ गया, नैरो एंड मेरे से दूर चला गया। इज दैट क्लियर? इफ यू क्रॉस इट वंस, दिस इज नोन एज अ स्क्वेयर थ्रो। इफ यू क्रॉस इट वंस, इट इज नोन एज अ स्क्वेयर थ्रो। सो स्क्वेयर थ्रो, दिस इज व्हाट अ स्क्वेयर थ्रो लुक्स लाइक। अगर आप एक बार इसको क्रॉस करोगे तो ये स्क्वायर थ्रो है, दिस इज अ स्क्वायर थ्रो। नाउ दिस वाज द सूचर, एक बार क्रॉस कर लिया, दिस इज अ स्क्वायर थ्रो। इफ आई क्रॉस इट वन मोर टाइम, एक बार मैंने और नॉट डाल दिया, सो वन स्क्वायर थ्रो एंड उसके ऊपर एक और स्क्वायर थ्रो मेक्स इट अ स्क्वायर नॉट or a reef knot. So two square throws one after the other makes it a square knot or a reef knot, REEF. And a square knot or a reef knot is a secure knot. Khulta nahi hai, it's a secure knot. A square knot or a reef knot is a secure knot. Is this clear? आगे बढ़े। नाउ लुक केयरफुली प्लीज। ब्रॉड एंड नैरो एंड, ब्रॉड एंड नैरो एंड। नाउ आई टेक अ थ्रो बट आई डोंट क्रॉस। ब्रॉड एंड अभी उधर ही है, इज दैट क्लियर? आई हैवंट क्रॉस्ड। फिर से थ्रो लिया, ब्रॉड एंड इज स्टिल देयर, आई हैवंट क्रॉस्ड। फिर से थ्रो लिया, broad end is still there, I haven't crossed. So if I don't cross, then I give rise to granny's knots. If I don't cross, I give rise to granny's knots, GRANNY. If we don't cross, we give rise to granny's knots, GRANNY. Granny's knot is also known as a slip knot. Granny's knot is also known as a slip knot. Slip कर जाता है, खुल जाता है आसानी से, it opens up easily. You all must have worn sweaters in the winters, right? तुमने देखा होगा अगर sweater का last line का thread खुल जाएगा and if you pull it the entire line comes out. कितने लोगों ने उत्तर किया है, एक line खेचोगे पूरी line बाहर आ जाती है। That is because those are all granny's knots. एक खुलेगा तो सारे खुल जाएंगे। That is why it is known as a granny's knot or a slip knot. It is not a secure knot. It is not a secure knot. And grannies or slip knots are used when we are operating at depth. जब depth पे operate कर रहे हैं, when we are operating at depth. I will take 1, 2, 3 slip knots लूंगा and the final I will cross. So वो secure हो जाती है पूरी लाइन। If I'm operating at depth, these knots slide easily. So I take 2 or 3 granny's knots and then I will cross the last one. So the entire line becomes secure. Is that clear? हाँ ना? Reef knot. ये देखो ये ब्रॉड एंड है, ये नैरो एंड है, ठीक। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ब्रॉड इधर था, अभी ब्रॉड इधर आ गया, राइट। तो ये हो गया स्क्वायर थ्रो। अभी मैंने फिर से क्रॉस कर दिया इसको, ब्रॉड अपनी जगह पे वापस आ गया। दिस इज अ रीफ नॉट और अ स्क्वायर नॉट।